हाय, दिस इज सुमुल तौकीर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। सबसे पहले जब प्रियंका का एविक्शन हुआ, जबकि प्रियंका भी ऑफ कोर्स डिजर्विंग है, पर मुझे डर लगता है अभी उसकी तारीफ करने, उसकी तारीफ करती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं जल रही हूँ उससे। हम में से कोई भी वीक नहीं था, ना मैं वीक थी, ना स्टैन था, ना शिव था, ना सादित सर थे, ना अब्दू था, ना ही निमृत थी। अभी एक बार जब हम छः हो फिर से मिलेंगे तब होगा ततरन 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 धंधरन 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 धंधरन। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है टेली रिपोर्टर पर। थैंक यू। हमारे हमने सुनबुल नहीं एक दबंग खिलाड़ी खड़ी है जो बिग बॉस में धमाल करके आई है। हाउ स्वीट, थैंक यू। बहुत दमदार खेले हैं आप, या खुद आप भी जानते क्या कहना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में? मैं यही कि बहुत थोड़ा उबड़ खाबड़ बीच में वक्त रहा था, बहुत मुश्किल वक्त भी रहा था, पर इस बात की मुझे खुशी है कि वो जितनी सिचुएशंस, जितनी मुश्किल चीज़ें मेरे सामने हुई उसके बाद मैं वापस से कॉन्फिडेंस में आने में मुझे टाइम लगा, बट मैं आई बाद में। सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी जर्नी बहुत ही ऑर्गेनिक थी एंड बहुत रियल रही है, चाहे वो अच्छी रही हो, चाहे वो बुरी रही हो, चाहे मैं रोई हूँ, चाहे मैं सोई हूँ, या फिर मैं सबको मैंने सवाल के जवाब दिए। सो आई थिंक बहुत रियल जर्नी थी, जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैं खुश हूँ कि मैं जैसी हूँ रियल हूँ और मैं वैसी थी शो के अंदर। आखिरकार मंडली साबित कर दिया कि किसी से कम नहीं है और जीत कर तो चार चार और लग गए मंडली के नाम क्या कुछ मंडली। तो यार स्टार्टिंग से ही सब लोग को लग रहा था कि ये लोग ना, सब लोग पहले ये सोचते थे कि ये कमज़ोर लोगों का ग्रुप है जो साथ में इसलिए आए ताकि वो दूसरों के अगेंस्ट चीज़ें करने लगे। ये लोगों का पर्सपेक्टिव था पहले, इनफैक्ट उनका भी जो घर के अंदर थे हमारे साथ। पर देखा जाए तो हम में से कोई भी वीक नहीं था, ना मैं वीक थी, ना स्टैन था, ना शिव था, ना सादित सर थे, ना अब्दू था, ना ही निमृत थी। अब्दू और साजिद सर शो से एलिमिनेट होके नहीं गए थे, वो अपनी मर्जी से गए थे। मैं लास्ट वीक में गई हूँ, निमृत फिनाले वीक में मिड वीक एविक्शन में गई है, और दो लड़के मंडली के वो स्टेज पे खड़े थे। तो ये कौन लोग हैं मैं जानना चाहती हूँ जो अभी भी ये मानते हैं कि मंडली वीक थी इसलिए साथ में थी। अगर वीक होते तो पहले चले जाते थे यार। मैम विनिंग मोमेंट के टाइम निमृत जी की आंखों में आंसू आ गए, आप कितने इमोशनल हो गए? अगर आपने तो देखा ही होगा। मैं तो फील किया है। तो क्या क्या फीलिंग थी वो? मतलब जब सबसे पहले जब प्रियंका का एविक्शन हुआ, जबकि प्रियंका भी ऑफ कोर्स डिजर्विंग है, पर मुझे डर लगता है अभी उसकी तारीफ करने, उसकी तारीफ करती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं जल रही हूँ उससे, तो मुझे तारीफ करने भी अभी डर लग रहा है भाई किसी की। तो मैं कुछ नहीं बोलती उसके बारे में, वो छोड़ देते हैं। शिव और स्टैन जैसी मुझे पता, मतलब सामने देखा कि टॉप टू में शिव और स्टैन है, तब तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ये कन्फर्म था कि ट्रॉफी मंडली के पास आने वाली है और अपने ही दोनों भाई सामने खड़े हैं, तो कोई भी जीते सेम लेवल पे खुशी होने वाली है। और एमसी का जीतना, स्टैन जब जीता ना, तो सबसे ज़्यादा एक ये फीलिंग थी कि उसने, वो जैसा भी रहा हो, वो बहुत बीच में उसका ये था, उसने आधे सीजन तो यही किया है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, पर वो एंड में जैसे ओपन अप हुआ है और उसने जैसे लोगों को जवाब दिया कि सामने वाला कुछ बोलने लायक बचता नहीं था, एंड इनफैक्ट कि वो पूरी जर्नी में रियल रहा है, वो सबसे डिफरेंट था। एंड एक रैपर होते हुए जो उसने, जो इंट्रोवर्ट इंसान है एक, उसने इतना लोगों के दिलों में जगह बनाई है कि लोगों ने उसको जिता भी दिया। तो आई थिंक जिन्होंने, लोगों ने जिसको सबसे ज़्यादा प्यार किया है वो ऑफकोर्स डिजर्विंग है। शिव ने हमेशा यही कहा है कि जीतेगा तो मेरा भाई, और मुझे उससे कोई मतलब जेलस नहीं, कुछ भी मेरे को इस कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। उस मोमेंट मैंने जब हम लोग थे वहाँ पर जब देखा कि धंधरन धंधरन बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, ततरन ततरन ततरन, तो क्या कुछ ततरन, तो यार वो तो हम लोगों ने, हम तो बस एक बार मिल जाए हम लोग का ततरन चालू हो जाता है। हाँ अभी हम लोग मिले, कल तो मैं जा नहीं पाई पार्टी में। हाँ ऑफकोर्स होगा, अभी एक बार जब हम छः हो फिर से मिलेंगे तब होगा ततरन 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 धंधरन 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 धंधरन। लास्टली क्या कहेंगे अपने फैंस को, जितना प्यार करते हैं आपको और करते ही रहते हैं, क्या कुछ नहीं आ रहा है मैम आपका? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बाद में धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो पाई हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के प्यार की वजह से हुई हूँ, कि उन्होंने मुझे वोट्स कर करके और हर हफ्ते, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बार नॉमिनेट हुई हूँ, सबको मालूम मैं 12 बार नॉमिनेशन, तो 12 बार नॉमिनेट होकर भी जो मुझे लोगों ने बचाया है उससे मुझे हिम्मत मिली है कि नहीं, लोग मुझे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अभी। एंड देन ऑफकोर्स मैंने वो जो भी किया वो सब दिल से था, जहाँ पे मुझे फील हुआ, कुछ भी बेवजह का मुझसे होता ही नहीं है। मैं वो नहीं हूँ कि मैं सब उठते मुद्दे ढूंढूँ, तो मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया, रियल समझा, और 11 हफ्तों तक मुझे बचाया, तो आई थिंक कि मतलब शब्दों में मैं शायद अच्छे से तारीफ ना कर पाऊँ, पर बड़े प्यारे लोग हैं। मैं कहता हूँ कि पब्लिक विनर आप हैं। हाउ स्वीट, थैंक यू थैंक यू।